बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेटी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोंडा जिले के करनैलगंज की, जहाँ 12 साल की लड़की का गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि लड़की दिन में सौंच करने घर के पास गई थी। जब वो काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो घर के लोग खोजना शुरू किए। कुछ देर बाद पता चलता है कि शौचालय के पास लाश पड़ी हुई है। जब आसपास के लोग वहां पहुंचे तो देखा इकरा नाम की लड़की की लाश है। परिवार के लोग भी पहुंच गए। थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम भी पहुंच गई। लड़की की दुपट्टे से गला कसा हुआ था, जिससे आशंका लगाई जा रही है कि लड़की की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल अभी तक पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये हत्या दिन दहाड़े हुई है, करीब दिन में 2 से 3 बजे के बीच बताया जा रहा है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा होता है। कल लॉकडाउन खुलने का पहला दिन था, बाजार भी खुल गया था। इस हादसे ने आसपास गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। जब लाइव टीवी की टीम करनैलगंज मृतक के घर पहुंचती है तो सबसे पहले हमारी टीम की मुलाकात मृतक की मां नफीसा से हुई। टीम को देखते हुए उनकी आंख से आंसू का सैलाब निकल पड़ा। टीम के सीनियर रिपोर्टर रजी अहमद और लखनऊ के संवाददाता मानसी ने नफीसा को आश्वासन दिलाया कि लाइव टीवी की टीम आपके साथ है और आपको हम इंसाफ दिलाएंगे। आपको नफीसा ने बताया कि मेरा सुहाग 11 साल पहले उजड़ गया और अब मेरी बेटी का क्या कसूर था जो मुझसे छीन लिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इकरा की माँ की आंखों में जो आंसू दिख रहे हैं वो दर्द बयां कर रही हैं। मृतक की माँ नफीसा का कहना है कि मेरी बेटी सौंच करने गई थी। दिन में 2 से 3 बजे के बीच काफी देर पता चला कि मेरी बेटी की लाश शौचालय में पड़ी है। मेरी बेटी के शरीर पर पैर में पायल और कान में बाली भी थी जो नहीं मिली। मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था किसी का? हमसे कहते तो मैं जेवर पैसा सब देती, मगर मेरी बेटी को छोड़ देते। अब हम कहाँ जाएं? हमें इंसाफ चाहिए। वहीं जब हमारे संवाददाता अमन अहमद ने मृतक के नाना से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग नहीं थे, फैरी करने गए थे। जब हमें पता चला, आए तो देखा मेरी नातिन हमें छोड़कर चली गई थी। हम लोगों का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हमें किसी पर शक है। वहीं जब हमारी रिपोर्टर ने करनैलगंज के चेयरमैन शमीम से बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत दुखद घटना है, बेटी सुरक्षित नहीं है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इंसाफ मिले और जो भी इस घटना में शामिल है उनको सजा जरूर मिले। पुलिस हम लोग की मदद कर रही है। हम शासन को चिट्ठी लिखेंगे और सरकार से हर संभव मदद दिलाएंगे। करनैलगंज से अमन अहमद की रिपोर्ट। आप बताइए क्या हुआ था आपके नाती के साथ? हम उसके बाद वो वहाँ गई है लैट्रिन में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको कुछ नहीं पता था। ये घर वाले जानता है, तब वो 2:15 के लपेट में वहाँ पहुँचे तो वो अंदर पड़ी हुई थी। किसी के ऊपर आपको शक नहीं लग रहा? किसी से कोई दुश्मनी नहीं? पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले तो अभी 1 घंटा पहले भी आए थे, सुबह भी आए थे, कल रात में 5-6 बार आए थे। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। हाँ बताइए क्या हुआ था? लैटरिंग करने गई थी 2 बजे करीब, जिस समय गई थी वहाँ से एक लड़की हाल लेके आई, 2:30 बजे तक के, 2:30 बजे तक के लेके आई हाल की। एक नफीसा की बिटिया वहाँ भी उस पर ही गई देखा, वहाँ लट्टी दुपट्टा दबोट के ऊपर खाने खाते के सब छीन ले गए, पायल वायल को मोटी से पायल पिटी हमारे पहने रही। हमसे कहा अम्मी पायल तोड़ दे बस, अब हमें दूसर ले दे हो, हम पहन पर पायल न उतर पे, हम कहा न उतारो तोड़ा रहे हो ला, तो हम का करी अब पायल पहने खतिम पायल कारण हमारे बच्चे जान ले ली। दही देती सामान हमसे बताती है और हम दही देती, हम भी एक मांग लेती दही देती, लेकिन हमारे बच्चे जान दही देती हमका, हमारे बच्चे हमका जान दही देती, हम कुछ हम करना कही थी ना कुछ कही भी न करती और हम का करी अब। 12 साल के बिटिया हमारे 7 मास की क्लास में रही, पढ़ाई मिली सरकारी स्कूल में रही, 7वां क्लास में रही हमारे बच्चे। 12 साल के हमारे बच्चे कोई न झगड़ा न कोई लड़ाई न कहूँ आना न कहूँ जाना, बल लैटरिंग करे गई रही बच्चा हमारे काम है बच्चा, बस यही 3 बच्चे का लेके हम अपन जिंदगी काटित रहा। कहीं तो हमारे आदमी ना है मगर हमारे 3 लड़के तो है, तो लड़के का लेके जिंदगी तो काटित है।
चेयरमैन साहब, जो ये हादसा हुआ है कल, क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी दुखद घटना है ये, आखिर बच्ची का क्या कसूर था जो इस तरीके से हुआ था? बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है, और समाज के लिए कि जब आज बेटियों के लिए सारा कुछ हो रहा है, उस समय इस तरह की घटना होना अपने आप में पूरे समाज के लिए कलंक जैसा है, और उससे पूरे लोग दुखी हैं। इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लोग जरूर चाहते हैं। सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियां ही महफूज नहीं है तो बेटी पढ़ेगी और बढ़ेगी कैसे? सरकारी नारे अलग है, जमीन की सच्चाई अलग है। सरकारी नारे जितने भी हैं आप उन सबको तोड़ लीजिए, वो कहीं जमीन की सच्चाई पे खड़े नहीं उतरते हैं। हम तो सिर्फ पूरी गबाजी है। हम अगर कहेंगे तो चूंकि हम दूसरी पार्टी को बिलोंग करते हैं तो ये सवाल पैदा हो जाएगा कि इन्होंने पॉलिटिक्स की, लेकिन हकीकत जो है वो आप भी जानते हो। आपके तरफ से इनके लिए क्या मदद, परिवार वालों को क्या मदद दिलाएंगे आपकी तरफ से? आप चेयरमैन है यहाँ के, आपको क्या मदद दिलाएंगे आप? फौरी तौर से जो मौके की स्थिति थी वहाँ पहुंचकर हमने जो भी प्रयास था किया, आज भी गाड़ी सारी व्यवस्था कर दी है। अब आगे हमारे नगर पालिका के स्तर पर अगर कोई व्यवस्था है तो वो मदद कराएंगे, नहीं तो हम अपने स्तर से चिट्ठी लिखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को कि इस गरीब परिवार को इस बच्ची के मृत के मुआवजे के रूप में ठीक ठाक रकम दी जाए ताकि इनका बाकी परिवार भरोसा हो सके।